लेट स्टार्ट विथ द फोर्टीन वन हेयर यू हैव इंटेग्रल ऑफ द फंक्शन विच इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर वन प्लस साइन टू एक्स सो सबसे पहले आई विल ट्राई टू चेंज वन वन को कैसे लिखेंगे वन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अब सबसे पहले चेंज क्यों कर रहे हैं वो देख लेना डोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा बिल्कुल डिनमिनेटर में वन की जगह हम क्या लिख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन टू एक्स है आफ्टर इट साइन टू एक्स का ना फॉर्मूला होता है और वो क्या होता है टू साइन एक्स डॉट कॉस एक्स अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी नीचे वाला जो टर्म है दैट इज़ डिनोमिनेटर तो वो किस फॉर्म में बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स न्यूमिनेटर तो सेम ही रहेगा एंड देन डिनोमिनेटर को आप कैसे लिखोगे साइन एक्स या ऐसे लिख लेते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में रिलेशन बन रहा है तो हम क्या करते हैं कि कॉस एक्स और साइन एक्स को लेट कर लेते हैं एज टी कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है इट इज़ माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स एंड देन यू हैव डी एक्स इज़ इक्ल टू डी टी अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऊपर वाली टर्म आपकी आ चुकी है न्यूमरेटर आपका आ चुका है सो इट विल बी डी टी ओवर टी स्क्वायर तो वन बाय टी स्क्वायर को आप, आप कैसे इंटीग्रल फाइंड आउट करोगे तो टी स्क्वायर को सबसे पहले ध्यान रखना कि न्यूमरेटर में लेकर जाना होता है और फिर आप इसका इंटीग्रल ले सकते हो सो इंटीग्रल ओवर इट विल बी टी माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन एंड प्लस अ कॉन्स्टेंट तो t की वैल्यू आपकी t की पावर क्या आ गई माइनस वन माइनस वन प्लस अ कॉन्स्टेंट तो यहाँ पे फाइनली आप क्या कर सकते हो t की वैल्यू सब्सीट्यूट कर सकते हो सो इट विल बी माइनस t टी की वैल्यू सब्सीट्यूट करो cos x प्लस साइन एक्स और पावर क्या आ जाएगी माइनस वन प्लस अ कॉन्सटेंट सो येस दिस इज योर आंसर फॉर फोर्टीनथ वन नाउ विल बी मूविंग टू फिफ्टीन क्वेश्चन